हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और हमारे ब्लॉग्स को एंजॉय कर रहे हो। तो आपने देखा होगा, बहुत दिन हो गए मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। तो जो मैंने कल ब्लॉग शूट किया था, जो मैंने डाला हुआ है, वो मेरे बहुत दिन पहले का ब्लॉगिंग किया हुआ था। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसके लिए मैंने बहुत दिन हो गया ब्लॉगिंग नहीं किया है। मुझे हो रखा था टाइफॉइड, तो मुझे पता ही नहीं लगा था टाइफॉइड हुआ है। मुझे बहुत लेट टाइफॉइड पता लगा है। किसी की भी तबीयत ख़राब होती है तो गाइस, पहले एक चीज़ याद रखिए, 3 दिन बाद आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है तो आप पहले अपना ब्लड टेस्ट कर लीजिए। अभी टाइफॉइड और डेंगू की साथ बहुत चल रही है, तो प्लीज़ किसी की भी तबीयत ख़राब हो तो पहले आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। 3 दिन बाद ठीक नहीं लगा तो अपने ब्लड टेस्ट करिए। तो 1 महीने से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मैं बिल्कुल खाना पीना मेरा छूट चुका था। तो अभी कल से मेरे को मेरी तबीयत ठीक लग रही है, तो मैंने अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। और मैंने 1 महीने दवाई खा ली है और बहुत दिन बाद मुझे पता लगा था कि मुझे टाइफॉइड हुआ है। और अभी मैं थोड़े से ठीक हो चुकी हूँ। किसी को भी टाइफॉइड होता है तो उसमें पहले आपको होता है, स्टार्टिंग में आपको उल्टी आती है, बुखार आता है, सर दर्द होता है, इससे स्टार्ट होता है, मुंह में छाले होते हैं और आपको खाने पीने का कोई मन नहीं करता है। तो यही मुझे हो रहा था, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब है या मुझे कुछ और हुआ है। तो अभी मेरा टाइफॉइड हो चुका है थोड़ा बहुत ठीक, और मैंने फिर से अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। इसी बीच में मैं गई थी गुरुजी के दर्शन करने, और मैंने गुरुजी के दर्शन कर लिए हैं। मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया था, वहाँ शूट करना अलाउड नहीं है। तो मेरे को बहुत दिन से इच्छा था कि मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं, तो गाइस मैंने गुरुजी के दर्शन कर लिए हैं। 3 महीने से मैं सोच रही थी कि मुझे गुरुजी के दर्शन करना है, गुरुजी के दर्शन करना है। उनके सत्संग में मुझे बहुत बार बुलाया गया लेकिन मैं जा नहीं पाई। लेकिन सडनली मेरे अचानक से ऐसी प्लानिंग बन गई और फाइनली मैंने गुरुजी के दर्शन कर लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ दर्शन करके। तो अभी मैंने चाय नाश्ता वगैरह सुबह कर लिया था। तो आज के पूरे ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी क्या कर रही हूँ मैं। और बहुत दिन हो गए, अपने दोस्तों को भी मैं मिली नहीं थी, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है रिंकी दीदी, उनको भी नहीं मिली थी। तो आज या कल में मैं जाऊंगी, या आज जा भी सकती हूँ उनको मिलने के लिए। सो दिखाऊंगी आज पूरा दिन मैं क्या करूँगी और कैसा रहेगा आज का मेरा ब्लॉग। सो एंजॉय दिस वीडियो। क्योंकि यहाँ पे और मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के घर पे, उसका मुझे टिफिन देना है, तो चलते हैं। अभी लिफ्ट आ रही है, लिफ्ट है अभी 8th फ्लोर पे, तो चलेंगे, दिखाती हूँ वीडियो में आगे आपको। गाइस अभी बहुत दिन बाद मैं नीचे आ चुकी हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है। बहुत दिन बाद मैं धूप में भी आ रखी हूँ, तो बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। और अब बज चुके दोपहर के 12:30 बजे। मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के घर पे, उसका टिफ़िन था, मेरी तबीयत ख़राब थी तो वो खाना दी थी, तो उसके टिफ़िन मेरे पास बहुत थे, तो इसमें से एक मैं लेके आई हूँ। तो अभी चलते हैं, उनका टिफ़िन भी दे देते और दिखाती हूँ वीडियो में कि पूरा दिन हम क्या करेंगे। तो चलो, दोपहर को मैंने कोई शूट नहीं लिया है, तो मेरे इनकी दीदी के घर से जाके आ गई थी, उसके बाद मैं सो गई थी। अभी मेरा चाय वगैरह मैंने पी लिया था। अभी मैं दिखाती हूँ हमारे यहाँ पे बाहर का वेदर कैसे है। और आज है मंगलवार, तो हमारे यहाँ लगती है मंगलवार मार्केट। सो चलो गाइस, अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ की मार्केट। और हमारा एक मेला भी लगा है, तो वो मेला भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देख सकते हो आप पीछे से लगी हुई है मार्केट, यहाँ पे सोसाइटी के बाहर ही हमारे यहाँ लगती है मार्केट। और पीछे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लगा हुआ है हमारे यहाँ मेला, तो आज आपको मैं दिखाऊँगी पीछे। तो आपको चलो बैक कैमरे से दिखाती हूँ, यहाँ पे हमारे यहाँ लगा हुआ है मेला। और मंगलवार है, रक्षाबंधन है, तो मार्केट भी लगी हुई है। मार्केट जाऊँगी तो आपको मार्केट भी दिखाऊँगी। बज चुके हैं 7:30 और 7:30 बजे का व्यू है। और यहाँ पे देख सकते हो आज है मंगलवार, तो यहाँ पे लगी है सब्जी मंडी। और यहाँ पर सामने हमारे यहाँ आप देख सकते हो, बिल्कुल सामने आपको दिख रहा होगा झूला। तो यहाँ पर हमारे यहाँ लगा हुआ है मेला, जो गाँव में लगा हुआ है। और आज मंगलवार है तो मार्केट बहुत अच्छी लगी है। मैं रिंकी दीदी के घर से दोपहर को आई थी, उसके बाद मैं सो गई थी, मेरा चाय वगैरह पी के हो गया है। उसके बाद मैंने अभी ये मार्केट दिखा रही हूँ आपको, हमारे यहाँ पे मार्केट लगी हुई है। कल रक्षाबंधन है तो मार्केट पे बहुत रश रहेगा, क्योंकि लोग राखी वगैरह ख़रीदने आते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए। सो चलो आपको दिखाते हैं मैं आज क्या बनाने वाली हूँ डिनर में। गाइस अब बज चुके 8:30 और अभी मैं बनाने वाली हूँ डिनर। सो डिनर में बनाऊंगी मैं राइस और ड्रम स्टिक की सब्ज़ी।
साथ में मैंने जो डीमार्ट में स्प्राउट मिलते वो लेके आई थी, और उसके साथ मैं आलू बनाने वाली हूँ। तो चलो गाइस दिखाती हूँ वीडियो में, तो देखते हैं अभी क्या बनाया है हमने डिनर में। यहाँ पे मैंने मिक्स स्प्राउट और आलू की सब्जी रखी बनाने के लिए, कुकर हो रहा है, डिनर की तैयारी चल रही है। यहाँ पे मैंने बनाई ड्रम स्टिक की सब्जी, बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे हमारे राइस ऑलमोस्ट बन चुके हैं, और ड्रम्स यहाँ पे वो मटर की सब्जी, आलू मटर मिक्स स्प्राउट बन रहा है। तो मेरा यहाँ मोस्टली डिनर भी अभी बन चुका है गाइस। अभी हमारा डिनर बन चुका है, मैंने आपको दिखाया था हमने डिनर में क्या क्या बनाया है। तो अभी मैं जा रही हूँ डिनर करने के लिए, करती हूँ डिनर, मिलती हूँ आपको कुछ टाइम में। सो गाइस यहाँ पे बना दी मैंने ड्रम स्टिक की सब्जी, ये बन चुकी है। और यहाँ पे मैंने बना दिया है आलू मटर स्प्राउट, जो मैंने बोला थी डीमार्ट से खरीद के मैं लाई थी। इसमें आलू है, मटर है, और बहुत सारे स्प्राउट मिलके एक सब्जी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है, वो बन चुकी है। यहाँ पे राइस भी बन चुका है, तो अभी मैं लगा रही हूँ डिनर की प्लेट। हमारा डिनर वगैरह हो रखा है, और डिनर में मैंने दिखाया था हमने ड्रम स्टिक की सब्जी, राइस और जो स्प्राउट होते हैं आलू डाल के बनाया था, वो मैंने आपके साथ रेसिपी भी आपको दिखाई है। तो अभी हमारा डिनर हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, आज मैं जाऊंगी मार्केट। तो चलो गए चलते हैं, और आपको दिखाऊंगी मार्केट में रक्षाबंधन स्पेशल कैसे मार्केट लगी है, तो मुझे भी बहुत देखने का मन है। तो अभी मैं भी जा रही हूँ मार्केट, और चलो आपको भी दिखाती हूँ। अभी मैं आ रखी हूँ नीचे, तो अब आई हूँ हमारे गेट के बाहर, जा रही हूँ, तो दिखाती हूँ आपको मार्केट में भी। तो चलो अभी देखते हैं मार्केट में, यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ रखड़ी आ रखी है, आऊंगी इयररिंग्स, बहुत सुंदर सुंदर इयररिंग्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कितने सुंदर इयररिंग्स है भैया, ये कितने में? 100 रुपये। कोई भी ले लो 100 रुपीज में, क्या अलग अलग प्राइस है? यहाँ पे गले के सेट बहुत सुंदर सुंदर से, बैंगल्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे वाले। कुर्तियाँ वगैरह बहुत सुंदर मिलती गाइस, आप देख सकते हो बहुत वैरायटीज के, अलग अलग स्टाइल की यहाँ पे ब्रांडेड कुर्तियाँ भी मिलती है। लोकल मार्केट है, लेकिन ब्रांडेड कुर्तियाँ भी यहाँ पे बहुत अच्छे से मिल जाती है। इसे भी आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे रकड़ी डिज़ाइंस, तो यहाँ पे देखिए कितने सुंदर सुंदर रकड़ी डिज़ाइन आई हुई है। ये देखो बहुत अच्छे अच्छे वैरायटीज की यहाँ पे है, लेडीज के लिए भी है ऊपर। अरे यार अब क्या लगी है, अन्नू आ रहा है, बने गाड़ी में देख उनके बनी है वैभव, ठीक है बता रहे हैं। सो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर रकड़ियाँ थी, और आज मार्केट भी यहाँ पे थोड़ा सा लगेगी, कल परसों रक्षाबंधन है, तो सुंदर सुंदर राखियाँ वगैरह है। नहीं नहीं बहन की कहाँ थे राखी। तो यहाँ पे बच्चों वाले रखड़ियाँ है, बहुत सुंदर है। सो गाइस बहुत सारे भी मार्केट में लोग आए, सारे रक्षाबंधन स्पेशल रखड़ियाँ ही खरीद रहे हैं, और बहुत सारे रखड़ी की दुकान आज मार्केट में लगी हुई है। तो अभी आपको मैंने कुछ दिखा भी दिया था, तो चलो अभी और भी दिखाऊंगी। यहाँ पे देख सकते हो मिट्टी वाले बर्तन बहुत अच्छे अच्छे, जो अचार मसालों के लिए होते हैं वो वाले, और ये डेकोरेशन आइटम है। गाइस अभी हमने मार्केट में बहुत सारा सामान वगैरह देख लिया था, आपको दिखा भी दिया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। अब बज चुके हैं रात के 11:30, और हम 10 बजे आ गए थे मार्केट में, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा रश था, हमारा सारा सामान लेके हो रखा है, हम लोग जा रहे हैं अभी घर पे। तो गाइस ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और दोस्तों में,
तो मिलते कल नए ब्लॉग में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेके। तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय गाइस।